मग अशीच मच्छिंद्र पाटीलने रुबेरूप केले दोन्ही कप्तानमध्ये. सोन्याच्या रूपाने आपण पाहिलं तर सोन्याने सांगितलं की मगाशी आकाशने फलंदाजी चांगली केली नव्हती, मात्र ह्या वेळेला त्याला फ्री खेळण्यासाठी मी विनंती करेल असं त्याने रुबरू याच्या मार्फत माहिती दिली होती. मात्र दोन्ही संघ एकमेकाशी त्रुटी माहीत असल्या कारणाने दोन्ही संघ एकमेकाच्या जवळचे संघ मात्र एकमेकाशी झुंज देताना दुसऱ्या फेरीमधील पहिला सामना आपण पाहतोय. अतिशय रोमांचक सामना पाहायला मिळेल या मैदानामध्ये. अजनबी ओळा वर्सेस रॉयल पारगाव. सलामीची जोडी आपण मैदानामध्ये पाहतोय. रोहन मुंगाजी पहिले षटक घेऊन होते, चार षटकांचा सामना, चार षटकामध्ये कशा रीतीने धावगती उभारेल पारगाव रॉयल पारगाव संघ, मात्र कशा रीतीने धावसंख्येला आळा घालेल अजनबी ओळा संघ. मात्र सलामीची जोडी आपण पाहतोय, सुमित ढोंगळे आणि आकाश तारेकर. मात्र ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडूला ढकलला वन बॉल सीमारेषे बाहेर, दणदणीत चौकार. पहिला चौकार पाहायला मिळाला सुमित डोंगरेच्या बॅट मधून. चौकारांशी खातं उघडलंय, संघिक खातं उघडलंय, मात्र चार धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्यात सुमित डोंगरे. सुमित डोंगरे आणि आकाश तारेकरची एक चांगली जोडी आणि ओपनिंगची जोडी आपण पाहतोय. रायगड मधील चांगली एक उत्कृष्ट जोडी आपण पाहतोय. आकाश तारेकर, सुमित डोंगरे, बॅटचा एज लागलाय थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये. फील्ड केलंय मात्र एका धावेसाठी प्रयत्न सुद्धा करता आले नाही अशी सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं अजनबी ओळा संघाकडनं. रोहन मुंगाजी आपण पाहतोय, जो गोलंदाजीचा एक चतुर गोलंदाज ज्याला मानलं जातं रोहन मुंगाजी या अजनबी ओळा संघाकडून खेळत असताना पाहतोय. आपण राईट टर्म ओवर द विकेट मारा करतोय. स्ट्राईकडला फलंदाज सुमित डोंगरे, मात्र शॉट शुल मिडॉनच्या दिशेने खेळून काढलाय, चेंडूला ढकललाय, मात्र एका धावेसाठी एक धाव चौटी अशी घेतली मी म्हणेन सुमित डोंगरेनं. पाच धावा धाव पलकर पाहतोय आपण, स्क्रीन बोर्ड पाहतोय, एवढं मोठं स्क्रीन बोर्ड पहिल्यांदा पाहतोय माझ्या नशिबामध्ये या नाईट टुर्नामेंट मध्ये. आणि ही नाईट टुर्नामेंट जर आपण पाहिली तर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो चालू होणार आहे मात्र त्याच्या अगोदर ही परवणी तळोजाच्या या मुस्लिम बांधवाने दाखवून दिली आहे रायगड मध्ये अशी ही परवणी पाहायला मिळते. मात्र त्या पर्वणीतील पहिल्या दिवसात पहिल्या रात्रीतील दुसऱ्या दिवस फेरीतील पहिला सामना आपण पाहतोय. अजनबी ओळा आकाश तारेकर बिगिन षटकार. अतिशय मोठा षटकार पाहायला मिळाला आकाश तारेकरच्या बॅट मधून, ज्यानं मागच्या सामन्यामध्ये फक्त झिरो या धावसंख्या बाद झाला होता, मात्र त्या आकाश तारेकरला फ्री हिट खेळण्यासाठी सज्ज केलं ते सोने हा कर्णधारानं, कारण मागच्या सामन्यामध्ये काही करू शकला नव्हता. आणि सहावा फलंदाज आपण पाहतो षटकारांशी खातं उघडणारा. आता मात्र चेंडू शॉट लेगच्या दिशेने गेला होता, निर्धाव चेंडू फेकला गेलाय रोहन मुंगाची गणना. मात्र षटकाराचा मार जरी खाल्ला असला तरी एका षटकामध्ये आतापर्यंत 11 धावा खर्च केल्यात. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच आणि ते षटकामध्ये 11 धावा रोहन मुंगाजीनं खर्च केलाय. राकेश आकाश तारेकर पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय. मात्र मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ऐकला, चेंडू गेला वन बॉल सीमारेषेबाहेर, पुन्हा एका दणदणीत चौकार पाहायला मिळतोय आकाश तारेकरच्या बॅट मधून. रायगडचं वंडर बॉय ज्याला म्हटलं जात ती दिशा दाखवतोय आणि ती दिशा दाखवत असताना मात्र चौकारांशी पुन्हा एकदा धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली ती बिनबाद 15. भाऊ जर आपण सुरुवात पाहिली तर खूप चांगली मोठी सुरुवात पाहिल्यामध्ये आपण पाहिले होते. मगाशीच सांगत होते की पारगाव संघ आणि ओला यांच्यात खूप मोठे सामने आपण पाहिलेत, मात्र आजचा सामना खूप मोठा होईल अशी आपण अपेक्षा बाळगतो. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी आपण पाहतोय सामन्यासाठी, सामना खूप चांगला होईल. आणि ज्यावेळी मी विचारलं की कुठे चुकतंय या अजनबी ओला संघाचं, कारण खूप मी सामने पाहिलेत पारगाव आणि ओला यांच्यामध्ये, जेव्हा जेव्हा सामने होते तेव्हा खूप चांगले टसन सामने होतात. आणि हा सामना सुद्धा
तर सन्मान्य दिनेश पाटील कसरकण यांचं इथे शुभागमन झालंय, स्वागत आहे तुमचं. तर भाऊ हा सामना जिंकणं कोणत्याही संघाला एवढे सोपं नसणार आहे, कारण नाईटचे सामने जेव्हा होतात तेव्हा मी नाईटच्या सामन्यामध्ये जास्त पारगाव संघाविरुद्ध अजनबी ओहले संघाला जिंकताना पाहिलंय. मात्र डेचे सामने जेव्हा जे मी पाहिले तेव्हा पारगाव संघ जास्त सामने जिंकलाय. तर बघायचे सामना आजचा सामना कोणाच्या बाजूला कौल देतोय आणि सामना किती मोठा होतोय. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी या सामन्यासाठी आपण पाहतोय. आमदार चषक 2016 आपण स्पर्धा पाहतात. दुसरं षटक मार्गस्थ धाफलकावरती धाव पाहू शकाल आपण. बिनगडी बाद 15 धावा धाबाती पाहू शकाल आपण. ओ टू भाव मात्र बोलतो. हॅलो. तर पहिला षटक संपलाय. पहिल्या षटकाची सांगता झाली. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा खर्च केले सरावीचे एवढे आपण पाहतोय. सुमित डोंगरे आणि आकाश तारेकर. आकाश तारेकरनं 10 धावांचं योगदान दिलंय. मात्र चेंडू आणि बॅटचा संपर्क व्यवस्थित आला नाही. शॉर्ट लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळून काढला चेंडूला. एक धाव पूर्ण केले, एका धावेनं समाधान मानावं लागलं. मात्र स्ट्राईक रोटेट केली आणि ती गरज आहे, ती गरज मात्र भासून दिले. कारण आकाश तारेकरला स्ट्राईक देणं गरजेचं आहे. आकाश तारेकरनं बॅटचा फेस खोलण्याचा प्रयत्न केला, ज्या कारण 3 चेंडूचा सामना करत आतापर्यंत 10 धावा आपल्या खात्यामध्ये जमा केल्यात आणि सुमित डोंगरे खेळतो फक्त 6 या धावसंख्येवर चौकारणीशी. मात्र दुसरा षटक नवीन गोलंदाज नौखा गोलंदाज पण पाहतो मिथुन दापोलकर. मिथुन दापोलकर ज्यानं मागच्या षटका सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती तो मिथुन दापोलकर आणि अभिजित असे एक गोलंदाज आपण पाहतोय अजनबी ओळख संघाकडनं. मात्र एक जुना जाणता खेळाडू सुद्धा पाहतोय आपण. रिव्हर्सचा जनक ज्याला म्हटलं जातं तो संतोष मात्रे. मात्र मेडिकल क्षेत्रामध्ये खेळून काढलाय चेंडूला ढकलला चेंडू गेला सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांकरता दणदणीत चौकार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा फलंदाज आपण पाहतोय आकाश तारेकर रायगडचा वंडर बॉय. मात्र त्या आकाश तारेकरचा बॅटचा आपण फेस आपण पाहतोय. अतिशय चांगली फलंदाजी करते आणि मागच्या सामन्यामध्ये जी उडी भासली ती मात्र आता उडी भासून देत नाहीये फलंदाज आकाश तारेकर. आता मात्र अष्टमला सोडून जाणारा चेंडू पंच वाईट दर्शवितात. वाईटची खून आपली पाहायला मिळाली आहे. पंच आपण पाहतोय सुनील पाटील आणि स्क्वेअरलेग पंच आपण पाहतोय संजय सावंत. फुल हँड डिलिव्हरी चेंडू आणि वॅटचा संपर्क पाहायला मिळाला नाही व्यवस्थित. मात्र एक धाव चौटी अशी घेतली. आकाश तारेकरनं धावसंख्या आपण पाहिली तर बिनबाद 22 धावा चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय. चांगली सुरुवात पाहतोय. मात्र 4 षटकामध्ये किमान रुबेरू आपण पाहिली होती सोन्याकडनं कप्तान. मात्र 40 ते 45 धावा काढणं गरजेचं असणार आहे. मात्र तशा रीतीची आता धावसंख्या उभारली. सुरुवात चांगली झाली. मात्र सुरुवातीला आळा घालणं हे अजनबी ओळेकडे असणार आहे, कारण गोलंदाजी करत असताना दुसरं षटक प्रगतीपथावर आणि त्या दुसऱ्या षटकामध्ये मिथुन दापोलकर आपण गोलंदाज पाहतोय, ज्यांना आतापर्यंत 4 चेंडू फेकलेत आणि 4 चेंडू मध्ये आठ धावा खर्च केले. आतापर्यंत चांगलीच फलंदाजी पाहायला मिळतो. आकाश तारखे स्ट्राईक एंडला पॉइंटच्या दिशेने खेळून काढलाय चेंडूला ढकललाय. मात्र एका धावेनं समाधान मानावं लागलंय. पुन्हा एकदा फलंदाज आकाश तारेकरला. धावसंख्या आपण पाहतो 24. दुसरं षटक प्रगतीपथावर 12 सरासरीने आतापर्यंत धावसंख्या उभारल्या. किमान या सरासरीने धावसंख्या उभारत राहिले तर निश्चितच 50 धावांपर्यंत मदल मारेल हा आकाश तारेकरचा संघ, ज्याच्या नावाने संघ ओळखला जातोय. मात्र अजनबी संघाला या धावसंख्येवर आळा घालावले, कारण एखादी विकेट गमवावी लागेल कमवावी लागेल. मात्र पॉइंटच्या दिशेने वरून मारला चेंडू, चेंडू गेलाय सीमा रेषेजवळ. चेंडूला अडवण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू अडवला सुद्धा गेलाय. मात्र 2 धावा रोखू शकले नाही. 2 धाव्यानं समाधान मानलं. 2 धाव वाचलेत आपल्या संघासाठी अजनबी ओळखच्या या क्षेत्ररक्षकानं. तर उस्मान पटेल यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यायचंय. उस्मान पटेल आपण व्यासपीठाजवळ यायचंय. तर मिथुन दापोलकरनं दुसरे षटक फेकलं. त्या षटकामध्ये 11 धावा तब्बल खर्च केला. 2 षटक संपली. मात्र पहिल्या षटकामध्ये रोहन मुंगाजीनं 15 धावा खर्च केल्या. मिथुन दापोलकरनं 11 धावा खर्च केला. तर 2 षटकामध्ये 26 धावा तब्बल कुठून काढल्या रॉयल पारगाव संघाच्या या जोडीनं. मात्र सलामीची जोडी आपण पाहतोय. एक नावाजलेली जोडी रायगड मधली सुमित डोंगरे आणि आकाश तारेकर रायगडचा वंडर बॉय.
भाऊ जर आपण विचार केला तर ओला संघाला कमीत कमी 45 धावांच्या आतमध्ये रोखणं फार गरजेचं आहे. पारगाव संघाला 50 आतमध्ये जर रोखलं तर ओला संघ स्पर्धेमध्ये सरशी घेण्याचे मात्र खूप चान्सेस असणार. जर 50 वरती जर या 4 षटकामध्ये 60-65 धावांच्या वरती स्कोर झाला तर मात्र अजनबी ओला संघाला संघर्ष करणं खूप कठीण असणार आहे या स्पर्धेमध्ये. त्यामुळे 40-45 धावांवरती रोखणं फार गरजेचं असणार या स्पर्धेमध्ये. भाऊ निश्चितच मच्छित आपण विचार केला तर 2 षटक संपली. 2 षटकामध्ये आपण 26 धावा पाहिला, एक वाईट जरी पाहिला आपण तर जास्तीत जास्त धावा बॅट मधून काढण्याचा प्रयत्न केलाय. एकच धाव फक्त एकच आली आहे, मात्र जास्तीत जास्त धावा फटक्याने काढल्यात. कारण जास्तीत जास्त शॉट पाहायला मिळाले, कारण 3 चौकार आणि 1 षटकार पाहायला मिळालाय या आकाश तारेकर आणि सुमी डोंगरेच्या बॅट मधून. मात्र लंगाल क्षेत्रामध्ये 1 बॉल सीमारेषे बाहेर, दंड आणि चौकार आकाश तारेकरच्या बॅट मधून. 30 धावा धावपळकर पाहतोय, मात्र सलामीची जोडी मैदानामध्ये आहे. सलामीला फोडण्याचं अजूनही काम करता आलं नाही गोलंदाज या तिन्ही गोलंदाजा, कारण रोहन मुंगाजी, मिथुन दापोलकर आणि अभिजित. अभिजितनं मागच्या षटक सामन्यामध्ये 5 धावा खर्च केलं होतं, एक चांगलं षटक टाकलं होतं, टर्निंग पॉइंट षटक टाकलं होतं. मात्र अभिजित पहिल्याच चेंडूवर 5-4 धावांचा मार्क होतोय, हा असा गोलंदाज आपण पाहतोय अजनबी ओळा संघकडे. मात्र लॉंगॉन क्षेत्रामध्ये सीमारेषे बाहेर, बिगिन षटकार. आकाश तारेकरच्या बॅट मधून निघालेला हा दुसरा षटकार आपण पाहतोय. अतिशय खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली, तर 8 चेंडू आणि 26 धावा, अतिशय बहारदार खेळी पाहायला मिळतोय आणि चतुराची फलंदाजी पाहायला मिळतोय. कारण ज्याच्याकडे ताकद आहे, ज्याच्याकडे क्षमता आहे, ती क्षमता मात्र दाखवून दिली आकाश तारेकरनं. कारण दोन्ही संघ एक माझा एकाच्या शेजारी संघ आपण पाहतोय ओवळा आणि पारगाव, मात्र एकमेकांच्या त्रुटी ज्या प्रमाणे माहिती आहेत आणि त्या पद्धतीने आतापर्यंत खेळ चालू आहे. मात्र पहिली सलामीची जोडी चांगली धावसंख्या उभारते, 36 धावा धावपळकर. आता मात्र फाईनल क्षेत्रामध्ये चेंडूला फक्त टॅप केलं आणि एक धाव चौटी अशी घेतली आहे, कारण चेंडू स्लोअर होता, चेंडूपरून पोहोचू शकला नाही आकाश तारेकर आणि अशा रीतीने एक धाव चोरटी अशी घेतली. 37 धावा धावपळकर पाहतो. तिसरं षटक प्रगतीपथावर अभिजित, ज्याला 5 षटकामध्ये 5 धावांचं षटक फेकलं होतं, मात्र तो गोलंदाज आता मागणार ठरला. कारण ही सलामीची जोडी आपण पाहतोय सुमित डोंगरे आणि आकाश तारेकर. मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न सुमित डोंगरे, रन आउट चान्स, मात्र फलंदाज बाजवतोय. रनरची सोरपण डायरेक्ट हिट पाहायला मिळाली विकेट किपर कडनं आणि फलंदाज मात्र बाद झालाय. आकाश तारेकर रायगडचा वंडर बॉय मैदानातून बाहेर निघतोय. मात्र पहिली विकेट, पहिला विकेट गारद झाल्यानंतर धावसंख्या आपण पाहिली तर 37, तिसरे षटक प्रगतीपथावर. भाऊ जर आपण पाहिलं तर एवढा मोठा फलंदाज धावचेत बाद होतोय, कुठे काय होईना चुकतोय मी म्हणेन कॉल यांचा, काय वाटतं भाऊ आपल्याला? कारण खूप मोठा फलंदाज आकाश तारेकरसारखा फलंदाज धावचेत विकेट बाद देतोय, म्हणजे खूप मोठी चुकीचं क्रिकेट इथे आपल्याला मदती पाहायला मिळते भाऊ. निश्चितच मच्छित्र आपण विचार केला तर चेंडू समोर असताना धावगतीमध्ये धावण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न असतो आकाश तारेकरचा. कारण रायगडमध्ये आपण धावणारा प्लेअर जर पाहिला तर आकाश तारेकरचा नंबर वनला आकाश तारेकर येतो. आणि त्या इथं त्या आकाश तारेकरने मात्र विचार करायला हवा होता की अजूनही शेवटचं षटक आहे आणि षटक असताना ही धाव घेणं, चोरटी धाव घेणं मात्र त्याच्या अंगलोट आलं, ही मात्र कला कौशल्य पाहायला मिळाली आकाश तारेकर आणि सुमित डोंगरेकडनं. निश्चित भाऊ, आता मात्र अजनबी ओला संघाला जो काटा होता तो काटा पार झाला, त्यामुळे त्यांना त्या स्पर्धेमध्ये उंच बाला घेण्यास खूप मात्र योगदान लाभेल शंका नाहीये भाऊ. निश्चितच मच्छित आपण विचार केला तर सोन्या स्वतः कर्णधार आलाय, कारण त्यांनी मगाशी रुबरूप केली होती आपल्याशी आणि त्यांनी सांगितलं होतं की ओळ्या संघासमोर खेळत असताना किमान 40-45 धावा आम्ही शक्यतो काढण्याचा प्रयत्न करू. मात्र तशा रीतीने धावक संख्या आतापर्यंत उभारली आहे. मात्र जोरदार अपील केलाय, LBW निर्णय पाहायला मिळालाय. पंच आपण पाहतो संजय सावंत, त्याने चेंडूची पाहणी केली, चेंडू सरळ मिडल स्टंपवर आदळणारा पाहिला आणि त्या रीतीनं मात्र लेग विपरतो विकेट, सदा कर्णधार बाद झालाय मच्छित्र वडील. भाऊ जर आपण पाहिलं तर आता आत्मविश्वास मात्र उंचावलाय ओला संघाचा, कारण एवढा मोठा फलंदाज धावचीत बाद झाल्यानंतर मात्र लेग विपर म्हणजे निश्चित पायचीत बाद झालाय, त्यामुळे आता मोठी धावसंख्या उभारणं पारगाव संघाला तेवढंच कठीण आव्हान असणार आहे मैदानावरती. जरी पारगाव संघाने एकापेक्षा एक मोठे फलंदाज जरी असले तरी मात्र गोलंदाजीमध्ये आत्मविश्वास हा खूप उंचावलाय या अजनबी ओला संघाचा भाऊ. निश्चितच मच्छित्र पाटील विचार केला तर सोन्या मागच्या सामन्यामध्ये पहिल्याच चेंडूवर कॅचरच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद झाला होता,
मात्र आताही त्याच पद्धतीचा मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये जास्तीत जास्त धावसंख्या उभारण्याच्या नादामध्ये लेग विफील तो विकेट फलंदाज बाद झालाय. मात्र शून्य धावसंख्येवर दोन विकेट बाद झालेत पारगाव संघाचे. मात्र सुमित डोंगरे आणि स्ट्रायकरला आपण पाहतोय रोशन. मात्र बॅटचा येत घेतला थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात. मात्र एक धाव चौटी अशी घेतली आहे. एक धावेनं समाधान मानलं रोशनला. रोशननं खातं उघडलं एका धावेनं. तर तिसऱ्या षटकाची समाप्तीचा इशारा आलाय. पंच आपण पाहतोय सुनील पाटील आणि संजय सावंत. तर तिसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पाहिली तर 38 धावा धावपळकर पाहतोय. मात्र येणार एक षटक म्हणजे शेवटचं षटक या सामन्यातील पूर्वार्धातील आणि त्या षटकामध्ये सामना करण्यासाठी सज्ज असणारी जोडी आपण पाहतोय. सुमित डोंगरे जो वैयक्तिक 6 चेंडूंचा सामना केलाय आणि 9 धावांवर खेळतोय. तर यापुढचा होणारा सामना भाऊ आपण विनंती करूया. पुढचा संघ जावला वर्सेस वाघबेल. दोन्ही संघाला विनंती करूया की आपण या षटकानंतर लगेच कॉमेंट्री बॉक्स समोर यायचं नाणेफेकीसाठी. निश्चितच जावळा आणि वाघबेल दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय. आपल्यासाठी शेवटचा कॉल आहे. आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचंय कारण नाणेफेकी झाल्यानंतर आपल्याशी रूबरू करण्यासाठी मच्छिंद्र पाटील स्वतः आपल्या समोर असणार आहेत. आणि मात्र नाणेफेक झाल्यानंतर रूबरू करायची आहे. तिसरा षटक संपलं. 38 धावा आपण धावपळकर पडतो. दोन सफलता मिळवतो ओळख संघाला. मात्र थोडीशी वेळ झाली उशीर झालाय ओळख संघाला कारण ही सलामीची जोडी जो काम करायचं होतं ते काम करून गेले. कारण सलामीचा अजून एक फलंदाज सुमित डोंगरे मैदानामध्ये आहे ज्यानं 6 चेंडूंचा सामना केलाय. 9 धावांवर खेळतोय. 7 चेंडूचा सामना केलाय. 9 धावांवर खेळतोय. मात्र स्ट्राईक एंडला रोशनला आपण पाहतोय. शॉर्ट पिच चेंडू. मात्र थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये एक धाव पूर्ण केली. मात्र एका धावेनं पुन्हा एकदा रोशननं समाधान मानलंय. ज्यानं 2 चेंडूचा सामना केला 2 धावांवर खेळतोय. सुमित खेळतोय 9 धावांवर. तर धावसंख्येचा विचार केला तर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 39 धावा धावपळकर पाहतोय. चौथं षटक मात्र पूर्वार्धातील शेवटचं षटक. शेवटचं षटक घेऊन आला नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय सतीश म्हात्रे. सतीश म्हात्रेला पाहतोय आपण गोलंदाज ज्याच्या खांद्यावर जबाबदारी सोपवली. जास्तीत जास्त धावांवर आळा घालण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र शॉट लॉंग ऑफच्या दिशेनं खेळून काढला चेंडूला. सुमित डोंगरेनं बॅट आणि चेंडूचा संपर्क व्यवस्थित आला नसल्या कारणानं मात्र एक धाव मिळाली आहे. जरूर एक धावेनं धावसंख्या वाढली. धावसंख्या झाली ती 40. तर वाघबेल संघाचा संघनायक आलेला आहे. जावळे संघाला शेवटचा कॉल आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. पुन्हा एकदा त्याच रिझमध्ये खेळून काढला. रनआउटचा चान्स. फलंदाज वाजवला. डायरेक्ट हिट पाहायला मिळाली. मात्र तिसरा फलंदाज बाद. फलंदाज आपण पाहतोय तर रोशन हा फलंदाज बाद झालाय कारण 3 चेंडूचा सामना करत 2 धावांचं योगदान दिलं. मात्र तो रोशन सुद्धा फलंदाज बाद झालाय. आकाश तारेकर बाद झाल्यानंतर थोडीशी पडझड निर्माण झाली या पारगाव संघासमोर. मात्र आकाश बाद झाल्यानंतर सोने हे लगेच पाठोपाठ बाद झाला. निश्चित भाऊ असंच असतं एखादा फलंदाज जर बाद झाला तर त्याच्या मागे मात्र पडझड लागली या संघाला. आणि मात्र संघ थोडासा बॅकफुटला पाहायला मिळतो या षटकामध्ये. आकाश जर मध्यवर्ती असेल तर धावा बरसल्या असत्या. आणि सुनील गावस्कर नेहमी म्हणतात की तुम्ही मैदानावरती थांबा धावा अपवाद बनतील. आणि आकाशनं जी चूक केली ती मात्र त्याला आता पश्चाताप केल्याशिवाय मात्र राहत नाहीये. आणि पश्चाताप शिवाय त्याच्याकडे पर्यायही नाहीये भाऊ. निश्चितच मच्छिंद्र तुझं म्हणणं असतं. तुझ्या म्हणण्याशी मी सहमत आहे. मात्र जी चूक केली आहे ती चूक सुधारण्याचं काम करायला हवं होतं कारण ती चूक पुन्हा एकदा केली आहे ते आता मात्र रोशननं कारण रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद झालाय. सतीश मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क करतो. पॉइंटच्या दिशेनं खेळून काढलाय. चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक धावतोय. मात्र चेंडू थांबणार नाही. चेंडू गेलाय वन बॉल सीमारेषेबाहेर 4 धावन करता. चौथ्या चेंडूचा सामना केला सतीश म्हात्रेच्या गोलंदाजीवर. सुमित डोंगरेनं मात्र चौकार आणिशी धावसंख्या वाढवली. धावसंख्या झाली ती 44. कारण सोन्याने जो टार्गेट आपल्याला दिला होता त्या टार्गेटच्या हिशोबात आतापर्यंत फलंदाजी झाली आहे. या षटकातील 2 चेंडू असणार आहेत. मात्र 2 चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज असणार फलंदाज सुमित डोंगरे. सतीश पुन्हा एकदा त्याच रिझन मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. ऑफस्टंपला सोडून जाणारा चेंडू पंच वाईट घोषित करतायत कारण त्यांनी लाईन पाहिली. लाईन चुकीची होती गोलंदाज सतीशची. मात्र वाईटच्या स्वरूपामध्ये एक धाव मिळाली. 45 धावा धावपळकर पाहतोय. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. मात्र सुरुवात जी हो करायची होती ती सुरुवात करून दिली आकाश तारेकर आणि सुमित डोंगरे. मात्र सुमित डोंगरे स्ट्राईकचा फलंदाज मात्र अजूनही मैदानामध्ये आहे. मात्र फायनल क्षेत्रामध्ये खेळून काढला चेंडूच्या मागे
संतोष म्हात्रे आणि वनमोद चेंडू उचलणार फेकणार, तत्पूर्वी दोन धावा पूर्ण केलेत, तर या दोन धावेनं मजल मारली या पारगाव संघानं, तर 47 धावा धावपळ करतोय या पूर्वार्धातील शेवटचं षटक आणि त्या शेवटच्या षटकातील शेवटचा चेंडू पाहतोय सतीश म्हात्रे गोलंदाज, ज्यानं आतापर्यंत एक सफलता जरूर मिळवली आहे मात्र खराब गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळेल, कारण आतापर्यंत 9 धावा खर्च केल्यात गोलंदाज सतीश म्हात्रेनं. आता मात्र पॉइंटच्या दिशेने खेळून काढला चेंडू, गेला सीमा रेषे बाहेर, बिग 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 हिट षटकार. या 6 धावेनं धावसंख्या वाढली पारगाव संघाची. रॉयल पारगाव संघ आपण पाहतोय दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपण पाहतोय, तर 53 धावाला लावलेत धावपलकावर पारगाव संघानं 4 षटकामध्ये, मात्र 24 चेंडू आणि 54 धावांचं लक्ष या अजनबी ओवळा संघासमोर असणार आहे, मात्र 54 धावांचं लक्ष पूर्ण करण्यासाठी अतिशय परिश्रम करावा लागेल, घाम गाळावा लागेल, चौकार षटकार मारावे लागतील आणि त्यानंतर मात्र या सामन्यामध्ये कुठेतरी शिरकाव करण्याचा वेळ मिळेल या अजनबी ओवळ्या संघासमोर. तर जावी सुभेदारांना विनंती करतोय आपल्या शुभाष आपण आणपैकी करा, जावी सुभेदार या आपण खाली आणि आपल्या शुभाष आणपैकी करा. तर दोन संघ आपण पाहू शकाल मेगा वाघबेल आणि जावले बहुजा. हॅलो हॅलो, नंतर पुढचा सामना आहे दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना आपण पाहणार आहोत वाघबिल विपक्ष जावळे या दोन संघांच्या, आपण पाहतो ज्यावेळी सुभेदार साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाते, नाणेफेक झाल्यानंतर आपण उभेरू करणार कर्णधार मेगा आणि काटा छापा. वाघबिल संघानं नाणेफेक जिंकलाय, निश्चितच अभिनंदन दोन्ही संघाचं. मित्र जायचं नाही बघा, आपण मागच्या सामन्यामध्ये टॉसिन हरला होता आणि या वेळेला टॉस जिंकलाय, मात्र टॉस जिंकले तर आपला निर्णय काय असेल? जरूर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय, मात्र ज्या पद्धतीने शेवटच्या चेंडूवर एक धाव पाहिजे असताना रुपेश मोरेने जी गोलंदाजी केली, मात्र आताही त्या पद्धतीची गोलंदाजी असेल का आपली? हो बघूया, आता बॉलर बॉलिंग टाकणार निश्चितच. मोनीश ज्याच्या नावाने संघ ओळखला जातो जावळे संघाचा संघनायक आपण पाहतोय, मोनीश आपण विचार केला तर वाघबिल संघानं शेवटच्या क्षणापर्यंत लढाई केली आणि लढाई करत असताना मात्र लढाई जिंकली एका चेंडूमध्ये एक धाव पाहिजे असताना, मात्र त्या संघासमोर आपल्याला दोन हात करायचे आहेत, मात्र ते दोन हात करत असताना आपली फलंदाजी कशी असेल आणि गोलंदाजी कशी असेल, कारण त्या पद्धतीची गोलंदाजी आपण पाहिली मोनीश, आपण काय म्हणाल याबद्दल? माझं तर मत असेल पहिलं की बॉलिंग जर चांगली झाली तर बॅटिंग सुद्धा चांगली, निश्चितच गोलंदाजी चांगली झाली तर बॅटिंग चांगली करू. अभिनंदन दोन्ही संघांना विषयवत भेट. चलते भाव मैदान के ऊपर जबरदस्त मुकाबले के हम बढ़ेंगे, आप जीत के लिए 54 की आवश्यकता. ये देखिए एक लाइव कास्ट आप चल रहा है पर हमारे रंजन गांव के सत्यवान पाटिल के माध्यम से लाइव कास्ट चल रहा है, उसके साथ साथ संतोष नानेकर हमारे साथ है, उसके साथ राहुल उलवेकर उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, ताहिर पटेल और हमारे मुनाब पटेल, आप देख सकते स्क्रीन के ऊपर हमारे नच्चू पटेल और उनके साथ बगल में हम देख सकते हैं विधायक पनवेल के सन्मान्य प्रशांत दत्त ठाकुर जिनके नाम से इस प्रतियोगिता का यहाँ पर आगाज किया गया है. तो विधायक ट्रॉफी 2016 में हम फिर एक बार सभी का तेजी से स्वागत करके चलेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ. 54 का लक्ष्य जिस टारगेट की हमने बात छोड़ी थी यहाँ पर जब हमने टॉस किया और इसके बाद रूबारू की थी यहाँ पर कप्तान से, तो सोने ने कहा था कि हम बल्लेबाजी करते हुए 45 से 50 रन बिल्कुल यहाँ पर बनाएंगे. यस मुदस्सर, तो उस्मान का यहाँ पर सम्मान भी किया जा रहा है हमारे वासुदेव पाटिल वासुदेव घरत जिनके माध्यम से जब कुटुक पांडा के मंच के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसके बाद 19 तारीख को उस्मान दुबई में रवाना होंगे. तो चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में लौट चलते जहां पर सवाल अजनबी ओला इनके बीच में हमें कई मुकाबले देखे. डे में टूर्नामेंट में बारगांव टीम जीती है लेकिन नाइट के टूर्नामेंट में मैंने अक्सर देखा अजनबी ओला टीम को जीतते हुए. तो कड़ी चुनौतियों के यहाँ पर आसमान यहाँ पर सितारे कोई गिन नहीं सकता और किसी की किस्मत कोई छीन नहीं सकता. पहले के लगान के ऊपर से खेले खिलाड़ी मौजूद और यह शानदार कैच, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम,
खेलने का जरिया बिल्कुल अलग था, ताकत का इस्तेमाल किया था। सुमित डोंगरे गेंद के नीचे और यहाँ पर आसान सा कैच, जिस सुमित डोंगरे ने शानदार बल्लेबाज की थी वही सुमित डोंगरे गेंद के नीचे, उन्होंने 11 गेंदों में 22 रन की यहाँ पर लाजवाब बल्लेबाज की थी। और आरंभिक बल्लेबाज मैदान पर आए थे बनकर अंतिम क्षणों तक मैदान पर नॉट आउट पार खेली थी, वही सुमित डोंगरे गेंद के नीचे जाने के बाद यहाँ पर पहला सदमा पहुंचता हुआ। बहुमात्री बिल्कुल हम बताएंगे यहाँ पर जितने भी प्रतियोगिता मैंने देखी है टूर्नामेंट में, पारगांव टीम ने बिल्कुल अजनबी ओला को हराया है, लेकिन जब भी मैंने नाइट में मुकाबले देखे तब अजनबी ओला ने पारगांव टीम को शिकस्त दी है। तो ये मुकाबला अजनबी ओला क्या जीत पाएगी, या मुकाबला पहले मुकाबले को काफी संघर्ष भरा जीता था अजनबी ओला टीम ने और यहाँ पर पारगांव टीम ने, उनके बीच में मुकाबला किस कगार पर छूटेगा और मुकाबला किस करवट पर होगा ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा। पारगांव पहले प्रगति पर पहले गेंद में आकाश तरकर को मिलती हुई पहली सफलता। आकाश तरकर ने बल्लेबाजी में कुछ 9 गेंदों में 27 रन की पारी खेलते हैं। लगान के ऊपर से खेला बहुत जल्दी, स्ट्रोक का पर पिकअप स्ट्रोक फुल एंड डिलीवरी, लगान के ऊपर से यहाँ पर गेंद सीमा पार, शानदार चौका। भले यहाँ पर विकेटों का नुकसान हो चुका है फिर भी अजनबी ओला पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ईट का जवाब पत्थर से देने के लिए बिल्कुल तैयार है अजनबी ओला और चैलेंजर पारगांव यानी कि रॉयल पारगांव हमारे विजय शेट खानावकर की यहाँ पर टीम के अंदर उनके नाम से खेल रहे, तो उनसे भी दरख्वास्त की आई मंच के ऊपर हम आपका भी स्वागत करते हैं। एक और बढ़िया स्ट्रोक, ये देखिए आकाश तारकर को पहली गिरती मार मैदान के ऊपर, इस मैदान के ऊपर अच्छे अच्छे गेंदबाज को हमने देखा है मार खाते हुए और इस मैदान के ऊपर दो यहाँ पर बड़े हिट आ चुके हैं। पहले विकेटों के बाद यहाँ पर बल्लेबाज अपना जलवा काम करते हुए यहाँ पर प्रमोद गर्ग, बिल्कुल तारीफ करूंगा प्रमोद गर्ग की। दूसरे नंबर के बल्लेबाज है, स्वयं कप्तान है मैदान के ऊपर, आज टॉस के लिए आए थे प्रमोद गर्ग, तो उनसे मैंने पूछा था कि अजनबी ओला पारगांव के बीच में जब मुकाबला हुआ था होता है तो आप में क्या कमी रहती है जिस कारण आप मुकाबले के ऊपर पीछे मैदान पर आती है, लेकिन आज प्रमोद ने कहा कि आज हम मुकाबला जीतेंगे और शत प्रतिशत यहां से कोशिश करेंगे और उसका यहाँ पर बिल्कुल जरा सा भी कोई भी कसर नहीं छोड़े। एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की पारी, आकाश को इतनी मार मैदान के ऊपर पहली मर्तबा देख रहे हैं, जबरदस्त पारी मैदान के ऊपर, पहला चौका जिस क्षेत्र में लगाया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से उसी क्षेत्र में यहाँ पर चौका लगाया और जो छक्का लगाया था मिडिल के ऊपर से फिर एक बार चौका लगाया और टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल रनों बरस रहे मैदान के ऊपर और टीम का स्कोर बनता हुआ 14 रन। ये देखिए प्रमोद कुछ अंपायर से रूबारू करते यहाँ पर सुनील पाटिल अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल प्रोफेशनल अंपायर लग रहा है, जिनका ड्रेस कोड देखिए जिस तरह से संजय सावन और हमारे जावेद फरीद का ड्रेस कोड है उसी अंदाज में और सुनील पाटिल का भी बिल्कुल अच्छा ड्रेस कोड और टीम का स्कोर प्रमोद गर्ग ने क्या कहा अंपायर से ये हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे क्योंकि माइक नहीं यहाँ पर, यदि माइक स्टंप में होता तो हम वहां से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। एक और बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी तैनात है लेकिन यह गेंद गैप में और यह शानदार कैच प्रमोद के एक बार कांत आशीष तारेकर गेंद के नीचे और जिस बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर फन उठाया था उस बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। ये देखिए क्या आंच लपकने के बाद आशीष तारेकर ने इस गेंद को हवा में उछलकर अपना यहाँ पर बिल्कुल ये देखिए किस अंदाज में स्ट्रोक क्या आंच को लपकने का कोशिश की जा रही है, बिल्कुल सही अंदाज था और क्या आंच लेने के बाद गेंद को हवा में उछाल दिया, खुद को भी फ्लाइंग के यहाँ पर बिल्कुल खुद को संभाल नहीं पाए थे और यहाँ पर प्रमोद टीम के कप्तान प्रमोद गर्ग के पारी का अंत हुआ। प्रमोद ने अच्छी कोशिश की थी मैदान के ऊपर, 4 गेंदों में उन्हें तकरीबन 2 चौके लगाकर छक्का लगाकर अपने टीम के लिए जीत की उम्मीद दिलाई थी, लेकिन वो जीत की उम्मीद दिलाने वाला चिराग यहाँ पर बुझ चुका है। तो नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए बल्लेबाज प्रतीप पाटिल, ये देखिए यहाँ पर जांच करते हुए पहले मुकाबले में 8 गेंदों में 13 रन बनाए थे प्रतीक पाटिल ने, शानदार बल्लेबाज की थी यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया शांताराम यादव यहाँ पर जानकारी के लिए। और भाव मात्रे ने कहा कि पहली बार हम स्क्रीन के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, बिल्कुल भाव मात्रे हम तो कई मरतबा कर चुके हैं, रतन भाव में कर चुके हैं, भिवंडी ढाणा बदलापुर अमरनाथ सभी जगह पे लाइव कमेंट्री हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन के सामने नाइट टूर्नामेंट में यहाँ पर बहुत बड़ा मौका यहाँ पर मिला है, तो सभी कमेंट्री के लिए बड़ी बड़ी बात हो सकती है। यूट्यूब के माध्यम से सभी विश्व में पूरे भारत और पूरे महाराष्ट्र पूरे विश्व में ये मुकाबले यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से आप देख पा सकते हैं। कमाल की क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ पर ताहिर पटेल के माध्यम से फुल टॉस गेंद यहाँ पर गेंद को दिशा दी, इसके बाद विकेट खेला खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, कितनी रफ्तार से खिलाड़ी वहां पर सुमित डोंगरे तकरीबन 26 कदमों का फासला यहाँ पर तय करते हुए ये रन आउट, यस इनडायरेक्ट हिट, रन आउट का यहाँ पर हौसला, एक और विकेट मैदान से बाहर, फिर एक बार दबाव अजनबी ओला के ऊपर। देखिए जिस तरह से सुमित डोंगरे ने यहाँ पर फील किया मिड विकेट के ऊपर से स्क्वायर ऑफ द विकेट वहां पर गए बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्रीजर में, तकरीबन 26 कदमों का फासला तय किया था इस खिलाड़ी ने और मुझे याद है मिल्खा सिंह की,
इतने तेज दौड़ने वाले मिल्खा सिंह ही थे और यहाँ पर मिल्खा सिंह की याद दिलाने वाले, बिल्कुल अच्छी दौड़ थी और विकेट का नुकसान होता हुआ, तो दो विकेटों के नुकसान के बाद तीसरा विकेट गिरता हुआ, परम मात्र यहाँ पर विकेट गिरता और टीम का स्कोर बनता हुआ केवल 16 रन। विट्टो का सिलसिला काफी बढ़ चुका है, उस सिलसिले को थमाना होगा और अच्छी साझेदारी बनानी होगी, तभी जाकर मैदान से जीत यहाँ पर मुकम्मल कर सकते हैं अजनबी ओला। अब अजनबी ओला के मास्टर माइंड संतोष मात्रे मैदान पर आते हुए, देखना संतोष मात्रे एक जमाना था, पिछले 5 साल की हम बात करेंगे, यदि आप पहले पीछे जाएंगे पन्नों को हम खोलेंगे पहले 5 साल के पन्नों को, तो संतोष मात्रे आरंभिक बल्लेबाज बनकर आते थे, लेकिन आज 5वें नंबर के बल्लेबाज बनकर आ चुके हैं। देखना पहले का संतोष मात्रे अभी भी मैदान के ऊपर हम देख पाएंगे, वही फॉर्म उनका, वही जरिया, वही खेलने का अंदाज, वही उनके फैन और वही बल्लेबाज का तरीका क्या हम आज भी देख पाएंगे मैदान के ऊपर, ये भी एक बड़ा सवाल होगा बीच मैदान के ऊपर। आकाश सारगर के ओवर की समाप्ति हुई, टीम का स्कोर बनता बस 16 रन, विकेट को यहाँ पर तकरीबन 3, तो नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए संतोष मात्रे इज अ मास्टर माइंड। देखना मास्टर माइंड हमारे ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके अध्यक्ष में ये ग्रामीण क्रिकेट अध्यक्ष हमारी चल रही रायगढ़ की, तो नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए नरेश गेंदबाजी में आते हुए नरेश गायकवाड़। नरेश गायकवाड़ एक काफी बड़ा नाम है जिन्होंने बिल्कुल आकाश तारेकर को क्रिकेट सिखाया खेलने के लिए, वही नरेश गायकवाड़। देखना जब ओपीडी के मैदान के ऊपर अविनाश जाधव जो इंदुजा हॉस्पिटल और के वजह से खेलते हैं, जब आकाश तारेकर ने 2 छक्के लगाए थे मिडविकेट के ऊपर से, काफी छोटी उम्र थी उनकी, काफी छोटा कद था, तो आकाश के बारे में उन्होंने कहा कि रायगढ़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। और ये देखिए ईट का जवाब पत्थर से, फुल टॉस गेंद नरेश का स्वागत किया यहाँ पर, इस तरह की फुल टॉस गेंद आप फेंकेगी तो ये तो होना ही था यहाँ पर, फुल टॉस गेंद क्रिकेट की कमजोर कड़ी मानी जाती है और इस गेंदबाज का इस्तेमाल किया पर गेंद ने और टीम का स्कोर 6 से बढ़ता हुआ फुस्कर में इजाफा हुआ 22 रन। 7वें नंबर के बल्लेबाज बन चुके यहाँ पर लिस्ट में जिन्होंने छक्का लगाकर अपने खाते की शुरुआत की है। ये देखिए अजनबी ओला का टीम का स्कोर है 22, एक भी सिंगल नहीं है, एक भी डबल नहीं है, एक भी यहाँ पर एक डबल है बिल्कुल, उसके बाद चौके छक्के की बौछार, एक और बढ़िया स्ट्रोक और ये शानदार आकाश सरगर के आंच के नीचे एक और सफलता, यानी कि 4वें विकेट का नुकसान मैदान से। जब भी बल्लेबाज ने चौका छक्का लगाया तभी उनका विकेटों का पर नुकसान भी किया है, इसे कहते हैं कनेक्शन देखकर फ्यूज निकालना, यानी कि सांप को उठने से पहले उनके फन को निचोड़ना, ये मैदान के ऊपर रणनीति की गेंदबाजों ने हर एक गेंद में सर उठाया लेकिन उनके सर को कुचला गया मैदान के ऊपर, हर एक बल्लेबाज ने फन उठाया लेकिन फन उठने से कुचला गया, ये रणनीति अपना दिया पर रन तो अच्छे बने लेकिन विकेटों का नुकसान भी काफी किया है, पर रन अच्छे बने यहाँ पर मैं बिल्कुल कहूंगा क्योंकि मुकाबला 4 ओवर का है और 2रा ओवर का खेल जारी है और टीम का स्कोर इस दौरान बनता हुआ 22 रन टीम का स्कोर बना है, तो स्कोर काफी अच्छा बना है लेकिन विकेटों का जो सिलसिला यहाँ पर थमने का नाम ले पा रहे, तू चल मैं आए विट्टो का सिलसिला कायम रखा है और टीम का स्कोर बनता हुआ 22। जीत के लिए दिल्ली दूर है, 53 की आवश्यकता है, 54 की आवश्यकता पर एक लंबा टारगेट है और टीम का स्कोर बनता है 22, तो समीकरण बनता हुआ 32 रन की आवश्यकता, यानी कि हौसला बड़ा नहीं है लेकिन बढ़ाना होगा आपका हौसला क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जो जुनून हिम्मत से और हिम्मत से मरदा तो मदद दे खुदा, आप कर सकते हैं, आपको करना है, करने की तमन्ना है, करने की चाहते अगर अर्जु है, अगर अरमान है, अगर सपने यहाँ पर बनोगे तो उसी तरह से बल्लेबाजी भी आपको करनी होगी यहाँ पर, यह मुकाबले की फासला इतना बड़ी बात नहीं है क्योंकि 32 रन और तय करने मैदान के ऊपर 22 रन तो बन चुके हैं, यानी विकेटों की फासले की बात करेंगे तो 4 विकेटें भी गिर चुके हैं लेकिन मास्टर माइंड अब मैदान के ऊपर संतोष मात्रे आ चुके हैं। संतोष के मौजूदगी में अजनबी ओला जीत पाएगी या संतोष के मौजूदगी में भी यहाँ पर पारगांव टीम इस अजनबी ओला के ऊपर हावी हो पाएगी, क्या होगा मुकाबले का अर्श बीच मैदान के ऊपर यहाँ पर फिर एक बार गेंदबाज में नरेश गायकवाड़, अच्छी गेंद यहाँ पर ऑफ साइड में ड्राइव किया, घुटनों का इस्तेमाल काफी अच्छे से, बॉटमैन का इस्तेमाल काफी खूब किया यहाँ पर, पहले से शॉट का सिलेक्शन किया था, लाइन में आ चुके थे और गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर ऑफ ड्राइव के माध्यम से 1 रन के लिए यहाँ पर इजाफा किया। संतोष मात्रे जानते कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, वो जानते कि मुकाबले में जीतना हमारे काफी अहम है और इस मुकाबले को जीतना उससे भी ज्यादा अहमियत रखते हैं और टीम का स्कोर यहाँ से आगे बढ़ता हुआ 23 रन पारी का 2रा रन प्रगति पर। बल्लेबाज ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते लेकिन ऑन ड्राइव की वजह से विद्याधर मात्रे खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, आकाश तारेकर अच्छा कैच लपका था इससे पहले आकाश ने और 27 रन की शानदार पारी भी के लिए आकाश ने, लेकिन आकाश के रन होने के बाद बल्लेबाज यहां पर बिखर चुके थे, एक और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये देखिए मुकाबला कितना थोड़ा सा ठंडा नजर आ रहा है 2रे ओवर में और ये अजीब और गरीब शॉट खेलने की आदत पहले से
मैं कहूंगा संतोष महात्रे को है, क्योंकि काका महात्रे हमेशा कहते कि रिवर्स शॉट के पहले यहाँ पर खिलाड़ी है ग्रामीण के हमारे, वो है संतोष महात्रे। संतोष महात्रे जब रिवर्स खेलते थे 2009 की बात करके, विधायक ट्रॉफी 2009 की बात करके, कामोटा के मैदान के ऊपर जब तब हम कमेंट्री सीख रहे थे और हमारा पहला साल था 2009 का कमेंट्री की दुनिया में, तब इस खिलाड़ी को हमने देखा था और रोहन को हमने देखा था वहां पर, रोहन मुंगाजी को क्या बल्लेबाजी की थी इन दोनों खिलाड़ियों ने, अब तक मैं नहीं भूल पाया। वहां पर 6 साल बीत चुके लेकिन बल्लेबाज को अब तक नहीं भूल पाया, इतने अच्छे बल्लेबाज की थी। और ये देखे इस बल्लेबाज लगा के ऊपर से खेला, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गए, एक और शानदार छक्का, चुपके चुपके चोरी चोरी यहाँ पर बल्लेबाज की जा रही है, यानी कि इक्का दुक्का के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है और चक्के छक्के भी यहाँ पर बूंदे जा रहे हैं। और टीम का स्कोर यहाँ पर अंपायर का ओवर समाप्ति का ऐलान, टीम का स्कोर बनता हुआ 31 रन, जीत के लिए बिल्कुल दिल्ली दूर नहीं है। अब 12 गेंदे 23 की आवश्यकता। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि डे टूर्नामेंट में मैंने जब भी मुकाबले देखे तब पारगाव जीती है, लेकिन नाइट में जब भी मुकाबले देखे इन दोनों के बीच में तब ओला टीम जीती है। तो क्या होगा मैदान के अंदर, एक तरफ सबसे बड़ी टीम रायगढ़ की दावेदार कहा जाती है वो आकाश तारेगढ़ की टीम, यानी कि रॉयल पारगाव टीम, हमारे विजय शेठ खानावकर की टीम इस मैदान पर खेल रही है। तो दूसरी मरतबा हम देख पा रहे दूसरी तरफ अजनबी ओले टीम, क्या होगा मुकाबले में आने वाले मास्टरमाइंड बल्लेबाज मैदान के ऊपर। संतोष मात्र अभी भी मैदान के ऊपर है, इससे गेम प्लानर कहा जाता है, जिसे गेम प्लानर कहा जाता है वही मास्टरमाइंड अभी भी मैदान के ऊपर मौजूद है। 12 गेंदे अब जरूरत है 23 रन की आवश्यकता। मुकाबला काफी क्लोज है, मुकाबला दोनों टीमें यहां से जीतने की उम्मीद रख सकती है। मुकाबले की गरिमा को देखा जाए तो दबाव दोनों के ऊपर उतना ही है जितना कि हम मैदान के ऊपर देख पा रहे हैं। यहां से कोई भी टीम इतने आसानी से नहीं जीत पा सकती है। देखना रात के ठीक हम समय आपको बताएंगे, रात के 1:27 हो चुके हैं, काफी समय बीता है। यहाँ पर शबनम काफी गिर रही है, आप देख सकते हैं साफ सुथरा ये आयोजन हम देख पा रहे हैं। ये देखिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में कई कमेंट हमारे साथ मौजूद है। अब जीत के लिए समय बनता हुआ 22 गेंदे 12 गेंदे 23 की आवश्यकता, काफी बड़ा मुकाबला। ये देखिए दर्शकों की तादाद, संदीपाज मैदान के बस जोश 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 नहीं बहु, क्योंकि आज की टीमें मैं कहूंगा बिल्कुल इस एरिया की टीमें नहीं खेल पा रही है, कल से इस एरिया की टीमें खेलेगी तो मैदान के बस शोर शराबा हम देख पाएंगे, क्योंकि जब दूर से टीम आती है उनके समर्थक काफी कम होते हैं और ये समर्थक काफी कम है। अच्छी गेंद, लेंथ और लाइन से पिकी हुई गेंद थी, आड़े बल्ले से खेला यहाँ पर संतोष मात्र ने, गेंद को लॉन्ग आर्म के ऊपर खेलना चाहते थे, समय काफी कम मिला यहाँ पर और सटीक लाइन से गेंदबाज की गेंदबाज ने केतन मेहर, एक अच्छे खिलाड़ी हमें याद आती है भरत मेहर की जिसे पतला कहा जाता है। फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस का लॉन्ग आर्म के ऊपर और क्या पहला यहाँ पर खिलाड़ी तैनात उनके पहुंच में, गेंद शानदार फील्डिंग सुमित डोंगरे, जबरदस्त खिलाड़ी, इसकी फील्डिंग बिल्कुल देखने लायक होती है, जिसे देखकर हमें रिकी पॉन्टिंग की याद आती है, उतनी शानदार फील्डिंग कर वाले यहाँ पर सुमित डोंगरे। 3 मरतबा गेंद गए लेकिन तीनों मरतबा शानदार फील्डिंग का मुजहरा किया, 1 मरतबा पहला कैच लिया उसके बाद मिड विकेट से स्क्वेयर के ऊपर बैकअप दिया और इसके बाद मिड विकेट के ऊपर बैकअप दिया, कमाल के फील्डिंग का मुजहरा यहाँ पर करते हुए। लेकिन संतोष मात्र यहाँ पर लगातार दूसरी गेंद बीट कर रहे यहाँ पर, और लगातार दूसरे गेंद बीट करना यानी कि मुकाबले में बिल्कुल थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव को बरकरार रखना, 22 का इशारा अंपायर की ओर से। अब समीकरण बनता हुआ 9 गेंदे और 20 की आवश्यकता, ये आने वाले 3 गेंदे इस मुकाबले का पर्दाफाश करेगी, क्योंकि आने वाले पिछले 3 गेंदे काफी अहम रखेगी इस मुकाबले का हर जीत के मुकाम में, तो ये निर्भर करेगी इस मुकाबले का हर जीत का फैसला। तो ये यदि इस मुकाबले में अजनबी ओला का जीतना है तो 3 गेंदों में कुछ तो कुछ करना होगा बीच मैदान के ऊपर, और गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी कर मैदान के ऊपर दबाव बरकरार रखना बल्लेबाज के ऊपर। क्या बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर आगे होंगे या गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर आओगे या अजनबी मैदान के ऊपर आगे बढ़ेगी या पारगाव आगे बढ़ेगी, क्या होगा मुकाबले का रुख। जीत के लिए 9 गेंदे अब जीत के लिए 20 की आवश्यकता। और ये देखिए बल्ले का फेस खुला, खिलाड़ी तैनात, शानदार कैच, आकाश तारे के दूसरा कैच लपकते हुए, एक और सदमा, 5वें विकेट का नुकसान। अब समीकरण तब्दील होता हुआ 8 गेंदे अब 20 की आवश्यकता। ये देखिए एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं बल्लेबाज इस कैच को देखकर दौड़ लगा रहा है और आसान सा कैच आकाश तारे कर जज करते हुए, ये देखिए कितना आत्मविश्वास था गेंद में उनके कैच लेने में और आसान सा कैच। अब समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे 20 की आवश्यकता। देखो मुकाबला किस प्रकार यहाँ पर करबट ले पा रहे, संतोष मात्रे मैदान के ऊपर मास्टरमाइंड अभी भी मैदान के ऊपर मौजूद है, कई सवाल है उनके मन में किस मुकाबले को किस कगार पर लाना है। तो समीकरण बनता हुआ 8 गेंदे अब जीत के लिए 20 की आवश्यकता।
गेंदबाज के बिल्कुल मैं तारीफ करूंगा, तारीफ काबिल गेंदबाज करे मैदान के ऊपर बिल्कुल जो भरोसा कप्तान ने भरोसा दिखाया था गेंदबाज के ऊपर उसी भरोसे के लिए गेंदबाज करते हुए लोकार के ऊपर से खेला। पर फुल लैंड डिलीवरी खिलाड़ी तैनात, फिर एक बार सुमित डोंगरे और ये खराब थ्रो सुमित डोंगरे का कहा जा सकता है और आकाश तरकर का थ्रो था, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई और संतोष मात्र के पारी का अंत होता हुआ। संतोष मात्र को यकीन नहीं है कि हम आउट हो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में कि आप किस तरह से आउट है, देख सकते हैं आप संतोष स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं वहां पर एक्शन रिप्ले दिखाने की मैं गुजारिश करूंगा, हमारे एडिटिंग रूम से गुजारिश करूंगा कि एक्शन रिप्ले दिखाए यहां पर रनआउट का। तो टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ समीकरण बनता हुआ 7 गेंदे 19 की आवश्यकता। बिल्कुल मुकाबला जिस कगार पर खड़ा है मुकाबला अजनबी ओला जीत के कगार पर खड़ा था, 12 गेंदों में 23 रन बनाते थे, लेकिन गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा काफी अच्छी गेंदबाज की यहाँ पर केतन मेहर ने और बिल्कुल बल्लेबाज को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया, अजीम शान और किफायती गेंदबाजी, बिल्कुल जो गेंदबाजी करनी चाहिए थी तीसरे ओवर में जो उम्मीद थी जताई थी कप्तान ने उनसे उस उम्मीद के ऊपर खड़े उतर पा रहे। अब समीकरण बनता हुआ बची हुई गेंदे 7 और 19 की आवश्यकता, संतोष मात्रे अपने टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने 7 गेंदों में अपने टीम के लिए केवल 4 रन का योगदान दिया, 3 गेंदे डॉट भी खेले यहाँ पर, यानी कि संतोष मात्रे आजकल फॉर्म में नहीं चल रहे, क्योंकि जब जमाना था संतोष मात्रे आरंभिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर आते थे रोहन के साथ, अब वो 5वें नंबर पर आ रहे हैं, इसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उनका फॉर्म थोड़ा सा कम होता नजर आ रहा है यहाँ पर। तो समीकरण बनता हुआ क्योंकि फॉर्म किसी भी खिलाड़ी का हमेशा नहीं रखता, सचिन तेंदुलकर का भी फॉर्म 2010 में काफी कम था, यानी कि समीकरण बनता हुआ अब जीत के लिए 7 गेंदे 19 की आवश्यकता। अच्छी गेंद यहाँ पर, इस गेंद को खेल दिया लगाव के ऊपर खिलाड़ी तैनात है सुमित डोंगरे, आकाश तरकर माफ करना 1 रन का इजाफा होता हुआ, दोनों का कद उतना ही, संदीप इसके लिए धोखा कर रहे हैं और दोनों का ड्रेस कोड काफी सेम है लेकिन जूते अलग अलग है, देख सकते हैं यहाँ पर ओवर की समाप्ति। अब जीत के लिए 6 गेंदे, अब यहाँ से समीकरण बनता हुआ 18 रनों की आवश्यकता, 6 गेंदे 18 रन की आवश्यकता, काफी बड़ा मुकाबला काफी बड़ा संघर्ष, लेकिन मैं तारीफ करूंगा केतन मेहर की ऐसे क्षण में गेंदबाज की जब बल्लेबाज को रोक लगाना बिल्कुल जरूरत था, अब उन्होंने केवल 5 रन दिए, अब समीकरण बनता हुआ 6 गेंदे 18 रन की आवश्यकता, कंपलसरी आपको रन बनाने होंगे इस मैदान पर क्योंकि पिछला मुकाबला टाई हुआ था और टाई होने के बाद मुकाबला हारी थी दिगोरा टीम और मेगा वकबिल ने मुकाबला जीता था, यानी कि टॉस जीतकर आप जब फील्डिंग करने का फैसला करते 1 रन आप गवाते, इसका साफ तौर पर हम मतलब आपको बता रहे हैं। तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक एटीएम कार्ड है नरेश केनी, इनका एटीएम कार्ड है हमारे पास इंडियन बैंक का है, आपकी पहचान बनाकर यहां से ले जाइए। तो दोस्तों इस प्रतियोगिता के बाद हम मुकाबले देखेंगे कराना स्पोर्ट के अकेडमी मैत्री स्पोर्ट आयोजित अतुल भगत की प्रतियोगिता हम देख पाएंगे 17 तारीख से उस प्रतियोगिता का आगाज होगा और प्रतियोगिता 21 को समाप्त होगी, उसके बाद 22 को हम देखेंगे विजय शेठ ठाकुर का सबसे बड़ा आयोजन अकुरली के मैदान के ऊपर राजीव गांधी स्टेडियम में दोस्ती क्रिकेट क्लब आयोजित प्रतियोगिता हम देख पाएंगे, यानी कि लगातार 3 नाइट आप देख पाएंगे इस नाइट के बाद। तो जीत के लिए 6 गेंदे 18 रन की आवश्यकता, अच्छी गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास यहाँ पर खिलाड़ी तैनात, डायरेक्ट देने का प्रयास और पारगांव के खिलाड़ी यहाँ पर डायरेक्ट देने लगा पर 22 का इशारा अंपायर सुनील पांडे हमें करते हैं यहाँ पर, हर गेंद की जानकारी वहां पर अंपायर की ओर से दी जा रही है क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज के यहाँ पर बाइक रखी गई है जो दिनेश शेठ पाटिल ने हमें यहाँ पर पुरस्कृत की है, क्योंकि यहाँ पर हर गेंद की बिल्कुल अहमियत रहेगी इस बाइक के लिए जब मुकाबले अंतिम दौर में चले जाएंगे तब। तो समीकरण बनता हुआ बची हुई गेंदे 5 अब 17 की आवश्यकता, 17 का खतरा यहाँ पर अजनबी ओला के सर पर है, लेकिन अभी भी समय अजनबी ओला के पास 2 छक्के आपको लगाने और कुछ नहीं करना है, 2 छक्के लगाएंगे तो मुकाबले के करीब पहुंच सकती है और यहाँ से जीत की उम्मीद भी रख सकते हैं, लेकिन 2 छक्के लगाना इतना बल्लेबाज के लिए आसान है मैदान के ऊपर, ये गेंदबाजी इतनी अच्छी हो रही है और एक कमलाकर मामा काफी बुजुर्ग खिलाड़ी मैदान के ऊपर, अच्छी गेंद बॉडी से टकरा हुआ यहाँ पर गेंद, कमलाकर मामा कह रहे कि 1 रन ले रहे तो लेने दो लेकिन दूसरे रन के लिए यहाँ पर बिल्कुल भागदौड़ मत करो, और टीम का स्कोर 22 की ओर से बढ़ता हुआ अब समीकरण बनता हुआ जीत के लिए 4 गेंदे अब 16 की आवश्यकता, यानी कि 16 का डोला राउडी राठौड़ बनना होगा बल्लेबाज को, अभी भी समय आपके पास लेकिन इसके बाद समय नहीं मिलेगा आपको,
चार गेंदे 16 की आवश्यकता, चार गेंदे चार चौके या तो दो चक्के एक चौका यहाँ पर बन सकता है आपके लिए। समय काफी कम है, मंजिल को से दूर है। इस समय लगार के ऊपर से ब्लॉकर की गेंद खेलते हैं, इस गेंद को लगार के ऊपर खिलाड़ी तैनात है, दूसरे के लिए पलट सकते थे और बड़े आसानी के साथ दो रन भी यहाँ पर पूरे होते हुए। अब समय के आपको बताएंगे बच्ची हुई गेंदे तीन, अब जीत के लिए 14 की आवश्यकता, दो छक्के यहाँ पर लगाने होंगे बल्लेबाज को, तो इस मैदान के ऊपर कुछ बन सकता है, या तो एक छक्का और दो चौके बनाने होंगे, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं क्रिकेट में। इससे पहले केतन पाटिल ने 6 गेंद में 6 छक्के लगाए थे और मेगा को जीत भी दिलाई थी। अब मुश्किल है यहाँ से, क्योंकि कमलाकर मामा पुराना चावल, जिसे हम कहते हैं तलवार वही, लेकिन हम बिल्कुल कहेंगे कि तलवार पुरानी लेकिन धार वही, अभी वही गेंदबाजी अंदाज में कर रहे हैं, तो मुकाबले में कोई मजा नहीं यहाँ पर। फिर एक बार अजनबी बोले दबाव में आती हुई यहाँ पर, और पारगाव टीम रॉयल पारगाव अपने मकसद में कामयाब होती हुई और अपना मकसद यहाँ पर बिल्कुल साध्य करती हुई, अपनी मंजिल को यहाँ पर आगोश में लेती हुई और मुकाबले को मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ मुकाबला खुला, अजनबी ओला की गलतियां कहां पर हुई है, बिल्कुल एक बार 22 का इशारा, दो ओवर में 32 रन आए थे लेकिन तीसरे ओवर में रन ही नहीं बने, और जो ओवर फेंका था केतन मेहर ने 5 ही रन दिए थे वहां पर। और अजनबी ओला नाइट में हमेशा जीतती है पारगाव के सामने, लेकिन आज उनको हार का सामना करना पड़ा। ये देखिए छक्का लगाने की अभी भी क्षमता थी, तो मुकाबला समाप्त हो चुका है और मुकाबले का आगाज यहाँ पर जीत दिले है आकाश तारेगन की पारगाव टीम, रॉयल पारगाव यहाँ पर जीत चुकी है, तो जीतने वाली टीम को बहुत बहुत बधाई और हारने वाली टीम का यहाँ पर हार्दिक स्वागत। तो हमारे दिनेश शेठ पाटिल की शुभ बातों से मैन ऑफ द मैच का किताब दिया जाएगा, आकाश तारेगन को हम देंगे